कबाड़ी अंसार का मायालोक। आया था कबाड़ी बनकर, कैसे बन गया करोड़पति? योगी मोदी के खिलाफ क्यों बनाई प्लानिंग? दिल्ली के बाद यूपी आने की थी तैयारी। जहांगीरपुरी बाजार में ये बात तो सब मानते हैं कि अंसार हमेशा सीएम योगी और पीएम मोदी को अपना दुश्मन नंबर वन मानता था। वो जब किसी से मिलता तो योगी मोदी की बुराई किए बिना नहीं रह पाता था, क्योंकि अंसार के दिल में भारत में रहते हुए भी किसी और मुल्क के लिए उसका दिल धड़कता था। वो मुसलमानों को भड़काता था और धीरे धीरे ऐसी साजिश रच रहा था जिसका सच देश को जानना चाहिए। ये है जहांगीरपुरी को जख्म देने वालों में से एक मुख्य आरोपी अंसार। अब सुनते हैं दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर बंगाल से अंसार के पापों की कहानी क्या है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा अलग हो गया, जो बाद में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में बंगाल की सीमा लगती है। आज नियम कायदे कानून बेशक हो, लेकिन कभी हालात ऐसे थे कि सुबह कोई बांग्लादेश में हो तो शाम को भारत में हो सकता था। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत में घुसपैठियों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता था। एनआरसी और सीए कानून जब से लागू होने की बात सामने आई तो सबसे ज्यादा दर्द किन नेताओं को था? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। सबसे ज्यादा सवाल उन्होंने ही उठाए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में बसने वाले भारी संख्या में मुसलमान भारतीय ही नहीं हैं, और उनमें से हजारों की संख्या में मुसलमानों ने दिल्ली तक प्लान किया। गृह मंत्रालय को शक है कि अंसार भी उनमें से एक हो सकता है। आमतौर पर आरोप ये भी लगते आए कि बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए मुसलमानों का बंगाल में आधार कार्ड और पहचान पत्र आसानी से बन जाता है। क्या अंसार ने भी ऐसा ही किया, जिसकी जांच हो रही है? क्योंकि अंसार खुद को बंगाल का बता रहा है। ये वोट बैंक की सियासत है कि वोट लेने के लिए हमारे देश के नेता रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देते हैं। ये बात पीएम मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं है, ये किसी भी हिंदुस्तानी को भी शायद ही पसंद हो। इसलिए अंसार मोदी, योगी और अमित शाह जैसे नेताओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। हर गली चौराहे पर ये कहता रहा कि ये लोग देश के दुश्मन हैं, क्योंकि अंसार को डर था कि अगर सीए लागू हो गया तो सरकार को वो कागज कहां से दिखाएगा। अब हम आपको कुछ और हैरान करने वाली सच्चाई बताते हैं। गृह मंत्रालय को शक है कि अंसार के साथ कुछ और लोग इस खेल में शामिल हो सकते हैं। कुछ भारत के गद्दार उसकी मदद कर रहे हैं तो कुछ विदेशी ताकतों का हाथ भी हो सकता है। अंसार का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका सबसे बड़ा सबूत है। अब आप खुद ही तय कीजिए कि एक कबाड़ी करोड़पति इतने वक्त में कैसे बन गया, और अगर वो मेहनत से बना तो हिंसा का मुख्य आरोपी कैसे बन गया। किस कबाड़ी या इंजीनियर को मोदी योगी से क्या लेना देना? लेकिन अंसार तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता और 10 बार मोदी और योगी के बारे में बुरा और गलत बोलता। अब हम आपको एक और सच बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर बीजेपी पर ज्यादा हमलावर नहीं है। ध्यान दिया होगा आपने, कुछ जानकार तो ये तक कहते हैं क्योंकि साजिश में भारतीय मुसलमानों का हाथ तो नहीं है, जिनका है उन्हें सियासत ने बसाया है। 12 साल पहले अंसार बंगाल से दिल्ली आया और देखते ही देखते कैसे दौलत की जिंदगी जीने लगा। जहां घटना हुई उसके ठीक बगल में अंसार का घर बताया जाता है। मोहल्ले में उसकी हनक है, यानी साफ है कि अंसार के दिल में पहले से ही नफरत की आग धधक रही थी, जो जहांगीरपुरी में नफरती शोले के रूप में सामने आई। यानी अगर सबूतों में दम हुआ तो पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान में गद्दारी की सजा क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।